गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के सी मोटो वर्ल्ड। तो गाइस आज के वीडियो हम लोगों के साथ है बर्गमैन स्ट्रीट 125। तो गाइस आज के वीडियो में इसका पूरा रिव्यू करने वाले हूं, बताने वाला हूं आपको क्या क्या इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। पहला वीडियो इसके लिए आपको वॉक अराउंड वीडियो, राइड रिव्यू उसका हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज इसका प्राइस वगैरह, फंक्शन आपको, फीचर्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, सारे मैं इस गाड़ी का आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको जो सबसे बड़ा जो इसका एक अलग से एक अट्रैक्शन है गाड़ी के अंदर, तो वो है इसकी विंडस्क्रीन, जो आपको काफी बड़ी एक विंडस्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि क्लियर वाइजर के साथ आती है, जो आपकी हवा को काफी अच्छे से कट करती है और आपको एक बढ़िया राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है। तो अगर देखें साइड में इस वाले मॉडल में आपको यहाँ पे जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक फ्लैश में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसका टॉप वेरियंट लेते हो तो आपको यहाँ पे ये क्रोम में मिल जाती है, लेकिन कलर के साथ काफी ज्यादा मैच कर रहा है और कलर क्वालिटी गाड़ी की जो है वो काफी अच्छी मुझे लग रही है। तो ये ग्रे कलर है और ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है ये यहाँ तक आई हुई है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसका जॉइंट यहाँ से लेके पीछे तक, हैंडल बार तक है, तो कलर कुछ इस तरह का है। बाकी अगर बात करें हेडलैम्प की तो आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प देखने के लिए मिल रहा है, जो काफी अच्छा है, बड़ा है, अच्छी विजिबिलिटी है। बाकी आपको डीआरएल गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। और अगर बात करें इंडिकेटर्स की तो टर्निंग इंडिकेटर आपको यहाँ पे हेलोजन मिल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये बॉडी के अंदर ही कवर है, आपको कोई भी अलग से इंडिकेटर्स नहीं दिए गए, तो उसमें टूटने वगैरह का डर आपका काफी ज्यादा कम बन जाता है। बॉडी अगर बात करें तो ये आपको फाइबर की बॉडी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बात करें रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मडगार्ड पे मिल जाएगा। मडगार्ड की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है क्योंकि हिल रहा है थोड़ा ज्यादा। बाकी सस्पेंशन आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल रहा है। और अगर बात करें टायर साइज की तो आपको जो टायर साइज यहाँ मिल रहा है वो है 1990-12, तो आपको 12 इंच के यहाँ पे टायर मिलने वाले हैं, जो की है MRF कंपनी के, बढ़िया है। अगर बात करें अलॉय व्हील की तो अलॉय व्हील आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपको ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाते हो तो यहाँ पे आपको सिल्वर अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेगा, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो साइड प्रोफाइल की बात करें, गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा बल्कि आपको आगे से देखने के लिए मिलेगी। अच्छा एक अग्रेसिव सा जो आपको बॉडी टाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो काफी बल्कि लगती है सामने से देखने में। अगर आप देखोगे तो जब ये गाड़ी स्टार्टिंग में आई थी वाली मोपेड, तो आपको अलग ही लेवल की एक एक्सपीरियंस दिलाती थी, क्योंकि काफी बल्कि ही आगे से लगता था कोई बड़ी स्पोर्ट्स बाइक लग रही है। तो अगर कंफर्ट की बात करें तो आप यहाँ पे आराम से अपना पैर रख के, बिल्कुल लंबे पैर करके आप गाड़ी के ऊपर बैठ सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, आपको काफी अच्छा कंफर्ट फील करवाने वाली है। तो यहाँ पे इसका इग्निशन मिल जाता है, यहीं पे आपका फ्यूल लिड खुल जाएगा, यहीं से आपकी डिग्गी खुल जाएगी, तो काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोतल होल्डर टाइप का कुछ रखने के लिए दिया है, यहाँ पे आप हल्का पतला अपना सामान वगैरह रख सकते हो। और ये क्या है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस मिलता है, इसके अंदर आपको 12 वॉट का आप चार्जर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया फीचर है और काफी अच्छा स्पेस भी इसने कवर कर रखा है। करें लेग रूम की तो लेग रूम आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं आ पाएगा। अगर आप थोड़ा बड़ा रखोगे तो ये स्पेस मुझे थोड़ा सा कम लगा है, लेकिन आपका लेग रूम की अगर बात करूं तो आप आराम से इसके ऊपर पैर रख के आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। यहाँ पर आपको एक सॉकेट मिल जाता है। और बात करें साइड प्रोफाइल पे तो यहाँ पे आपको वही पियानो ब्लैक फिनिश देखने के मिल रही है। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है अच्छा, यहाँ पे ग्रेइश टाइप का आपको कलर मिल रहा है, मेटेलिक ग्रे एंड पियानो ब्लैक फिनिश, तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बर्गमैन का लोगो आपको 3D में यहाँ पे मिल जाता है, स्ट्रीट की बेजिंग मिल जाती है। और ये चीज जो है ये भी आपको फाइबर में दी गई है, कोई स्टील का वर्क यहाँ पे नहीं है। ग्रैब हैंडल आपका यहाँ पे आ जाता है। और साइलेंसर की अगर बात करूं तो साइलेंसर काफी अच्छा सा एक आपको देखिए एक स्पोर्ट्स वाली फीलिंग बिल्कुल देने के लिए रेडी है, तो ये आपको फाइबर का मिल जाएगा एंड ये भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में फाइबर का मिल जाएगा। बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ पे जो इंजन आपको मिलने वाला है वो है 125cc 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, तो ये आपको एयर कूलिंग के साथ मिलता है, कोई भी लिक्विड या ऑयल कूल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। बात करें इंजन की पावर की, तो इंजन में आपको जो पावर मिलने वाली है वो है 9.6 PS एंड 10 Nm का आपको इसके अंदर टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। तो इंजन पावर वाइज भी बढ़िया है, कम नहीं कहूंगा। बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस क्या आपको देखने के लिए मिलेगा वो हम राइडिंग रिव्यू में हमारे बता दूंगा मैं आपको। चलते हैं थोड़ा पीछे की साइड, तो पीछे आपको जो अपनी टेल लाइट मिलने वाली है वो आपको हेलोजन में मिलने वाली है, एलईडी यहाँ पे नहीं है। टर्निंग इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलने वाले हैं, एलईडी यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है। पीछे से लुक भी काफी अच्छा आता है, यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट मडगार्ड वगैरह ये आपका रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है। अगर बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको जो ब्रेक मिलने वाला है वो है कॉम्बी ब्रेक, तो आपको फ्रंट में जो मिलेगा वो डिस्क ब्रेक रहेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। ब्रेक का रिस्पॉन्स क्या है वो हम आपको वीडियो में बता देंगे, अभी तक चला के आया था तो उसके अंदर मुझे कोई इशू नहीं आया है। मैं सिटी राइड भी अभी करके आया हूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी है। तो आपको यहाँ पे साइड स्टैंड में सेंसर मिलने वाला है, जो कि अगर आप स्टैंड लगा देते हो आपका इंजन पावर कट ऑफ उसी टाइम पे हो जाता है, तो काफी बढ़िया सेफ्टी फीचर आपको इसके अंदर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा।
सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो सीट आपको काफी बड़ी, इसमें सिंगल सीट का ऑप्शन दिया गया है, कोई स्प्लिट सीट नहीं है, तो काफी बड़ी सी आपको सीट देखने को मिलेगी जो कि आपको काफी कंफर्टेबल फील होने वाली है। कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया है, काफी अच्छी है, और जो सबसे मेन चीज है इसका हैंडल बार जो मुझे काफी पसंद है, तो ये कुछ आपको इस तरह का मिलने वाला है। काफी अच्छा फील है एक बैठने में, और अगर आप इसको जब आप ड्राइव करोगे तो काफी अच्छा आपको ये बहुत लाइट फील होता है। सबसे बड़ी बात इसकी मुझे यही लगती है, यहाँ पे आपको बीच में सुजुकी की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स हो गए हैं अपर डिपर, इंडिकेटर बटन की क्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मल है, ज्यादा हाईटेक नहीं बोलूंगा मैं, कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। ये आपका किल स्विच एंड सेल्फ आपको यहीं पे मिल जाएगा। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ से आपका बूट आराम से ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का आपको काफी बड़ा सा बूट गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपका हेलमेट आराम से कैरी कर लेगा, वो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी आपका इसके अंदर आराम से आ जाएगा। यहाँ पे आपको टूल किट, फास्ट एड बॉक्स मिल जाएगा, फ्यूल लेड आपको गाड़ी का यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप इंटरनली इसको फ्यूल करवा सकते हो। काफी बड़ा बूट स्पेस है। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाली है वो है 5.5 लीटर की। और बात करें गाड़ी का माइलेज की, तो माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो है 48 का, तो इजीली आपको 45 टू 50 तक गाड़ी एवरेज दे देगी अगर आप इसको सही से राइड करोगे। तो बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो 95,000 से स्टार्ट होती है, 1,16,000 तक गाड़ी का प्राइस जाता है एक शोरूम भोपाल में, तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अगर आप भोपाल में ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, सुजुकी कोई भी गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, तो आप यश सुजुकी से बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, जो कि DIG बंगले भोपाल में लोकेटेड है। आप यहाँ पे जाके अगर मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो या अपनी बर्गमैन आप लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद।